कांग्रेस दिग्गज कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें हैं, हालांकि इसे लेकर साफ तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। इसी बीच खबरें हैं कि फरवरी में कांग्रेस समेत कई दलों के नेता पाला बदलकर भाजपा में जा सकते हैं। फिलहाल दल बदल पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस समेत बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के कई सांसद और विधायक भाजपा में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं का भाजपा में शामिल होना 29 फरवरी यानी महीने के अंत तक जारी रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ने कहा, सिर्फ सांसद और विधायक ही नहीं बल्कि हाल ही में चुने हुए विधायक भी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ सूत्र ने संकेत दिए कि यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके कांग्रेस के एक नेता ने रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। अटकलें हैं कि बसपा की लालगंज सांसद संगीता आजाद और अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। खास बात है कि आजाद बसपा के संस्थापक सदस्यों के परिवार में से है। हाल ही में महाराष्ट्र के तीन बड़े नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। इनमें ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का है। वे भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से ही राज्यसभा का टिकट भी दिया है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। एक और जहां देवड़ा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का हिस्सा बने, वहीं सिद्दीकी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP में शामिल हो गए हैं। देवड़ा को भी शिवसेना ने राज्यसभा का टिकट दिया है।